और भी शुरू करेंगे बड़ी खबर की ओर। बिहार से बड़ी खबर, बिहार के छपरा शराबकांड में 30 की मौत हो गई है, 30 लोगों की मौत हो गई है नकली शराबकांड में। 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई बिहार के छपरा से। 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। पुलिस अधिकारी पर बड़ा एक्शन, मशरक के थाना अध्यक्ष समेत 2 सस्पेंड हो गए हैं, एसडीपीओ का भी ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार के छपरा से, जहां पर नकली शराब पीने की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। पुलिस अधिकारी पर बड़ा एक्शन लिया गया है, मशरक के थाना अध्यक्ष समेत 2 और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, एसडीपीओ का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप लोग बता रहे हैं बिहार के छपरा से, जहां पर नकली शराब पीने की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताएं कि ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है, ग्रामीणों ने कल भी चक्का जाम किया था, काफी ज्यादा जाम लगाया था रोड पर। पुलिस अधिकारी इसके बाद इस मौके पर आए और लोगों को शांत कराया। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, इस शराबकांड में, नकली शराबकांड में 30 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, क्या कुछ विशेष जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए रश्मि, मैं आपको बता दूं कि मामला कल का है जब लगातार सड़क जहरीला शराब पीने से लोगों की मौत हो रही थी और अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मंगल थाना कार्रवाई समेत 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि जो ये घटना है, लगातार इन दिनों जहरीला शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, जिसके बाद कल भी जिस तरीके से विधानसभा में भी नीतीश कुमार पे सवाल खड़े हो रहे थे और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पर जब सवाल खड़े हो रहे थे और बिहार में जब शराबबंदी है और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि अब तक जिस तरीके से मौत का आंकड़ा आ रही है, अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और कई की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। मनीष, 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो 15 लोग हैं उनकी इलाज चल रही है, सब छपरा सदर अस्पताल में इलाज चल रही है, लेकिन अभी भी लोगों की स्थिति जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और जिस तरीके से अब तक हड़कंप मच चुका है, क्योंकि लगातार जो मौत की आंकड़े सामने आ रही थी और अब तक जो 30 लोगों की मौत हो चुकी है, लोगों में काफी आक्रोश दिख रहा है, लोग काफी आक्रोश है, खासकर जिला प्रशासन पे भी लोग आक्रोश है, क्योंकि जिला प्रशासन का कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि लोग संलिप्त ही जिले में शराब व्यवसायी तत्पर हैं और शराब के धंधेबाजी, शराब नकली शराब बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के कानून भी यहाँ लागू किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शराब सुबह में बिक रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन और यहाँ के जो लोकल जो थाना है उसको फिलहाल जो यहाँ के मसलक थाना प्रभारी है उनको सस्पेंड भी किया गया। लेकिन एक मसलक ही नहीं है जहाँ पे शराब बिक रहे हैं, सुबह में लगातार इससे पहले भी मकेर में लोगों की जहरीला शराब पीने से मौत हुई थी, मनोहरा में शराब पीने से मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में अब भी शराब बिक रहे हैं और टहल्ले से बिक रहे हैं और इससे सरकार और जिला प्रशासन क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। मनीष, पुलिस प्रशासन का नकली शराब कांड पर क्या कहना है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है नकली शराब कांड का, इससे पहले भी हो चुके हैं कई बार? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो छपरा एसपी हैं संतोष कुमार, उन्होंने इस पूरे मामले को कहा है कि जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये बड़ा पहली बार नहीं है जिस तरीके से छपरा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी लोगों की मौत हुई थी और इससे पहले भी मकेर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिस थाना क्षेत्र में शराब बिकता है, जिस जिले में शराब बिकता है, तो सरकार उस पर क्या करती है? हालांकि सरकार इस पर पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है, उससे बिहार के जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन आपने बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया है, उसके बाद से अगर जहरीले शराब अगर जो बिक रहे हैं और शराब माफिया इतने तत्पर हैं कि शराब सूबे में अभी भी बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरीके से सरकार शराबबंदी तो लागू कर दिया, लेकिन शराब डहले से जो बिहार में बिक रहा है उस पे एक्शन कौन लेगा? जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। तो बिहार के छपरा शराबकांड में 30 लोगों की मौत हो गई है, 15 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, बीमार हैं।